पूजा खोलने के बाद ये वहीं पे काम करते हैं। खेत के जंगल के पास खेत घर है, वहीं थोड़ा सा 50 मीटर दूर ये काम करते हैं लकड़ी का। तो ये वहाँ रोज़ा खोल के वहाँ चले गए, वो बच्ची भी इनके पीछे पीछे चली गई होगी। तो ये अपना काम करते रहे, ना किसी को पता नहीं है। जब ये वहाँ से वापस आए, वापस आके इन्होंने पता किया भाई बच्ची कहाँ है, तो इनकी माँ, बच्ची की माँ ने कहा वो तो आपके साथ ही चली गई थी। इन्हें फिक्र हुआ, इन्होंने उधर ढूंढा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद पता नहीं चला। लेकिन तकरीबन 9:30 बजे करीब जा रहे हुई उसी रास्ते पर अपने जहाँ काम करते हैं, इन्हें एक छोटी चप्पल मिली। वो छोटी चप्पल जो है उस बच्ची की थी। इन्होंने आपस में इधर उधर तलाश किया, रोशनी डाल के मोबाइल वगैरह से देखा, उसकी लाश पड़ी हुई है, उसका सर खाया हुआ है, पैर भी खा रखे हैं। तो वहाँ पे जानवरों का मसला है, हमारे यहाँ आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो काटने भी लगे हैं, लोगों के ऊपर चार्ज करते हैं। तो हम डीएम साहब के यहाँ आए थे, हमने एप्लीकेशन दी, उसका दहशत हमें ये ज़्यादा हो गई बच्चों की, कोई और फैमिली बीमार है तो और बच्चे भी रहते हैं, वो कहीं जब एक बार उसने ऐसा करता दोबारा अटैक करेगा, बच्चे खतरे में, सभी लोगों में दहशत है गांव में। तो हम एप्लीकेशन लेकर आए डीएम साहब से, हमें इन जानवरों से निजात दिलाई जाए। कल रात इन्होंने एक और वहाँ पर जानवर देखा, अंधेरा हो रहा था, तो वो इन्हें कुछ समझ तो आया नहीं कैसा था, लेकिन वो कुछ बड़ा सा जानवर था काले रंग का।